और ये अपनी गर्मा गर्म तो चाय आ गई है बेहतरीन। रोला है रोला भाई का रोला। डोलने लगने दिया भाई ने। What's up everybody? कैसे हाल चाल है आप लोगों के? So, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुसाफिर शोएब के चैनल में और अनदर ब्लॉग में। इट्स अ ब्यूटीफुल डे गाइज और हम लोग जा रहे हैं अभी नैनीताल। नैनीताल से प्लान बनाएंगे हमें आगे कहाँ जाना है। बट आपको मैंने दिखाया अभी कैसे हमने रौला काटा और टोल बिना दिए निकल गए हम लोग। स्टाफ है भाई का, स्टाफ है, रौला है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। रस्ते में जो जो चीज़ें मिलती है मैं आपको दिखाऊंगा और आपका एंटरटेनमेंट करूंगा पूरा। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब लाइक और कमेंट एंड शेयर अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरी तो। और अब तो मैंने डालनी शुरू कर दिया है फ्रीक्वेंटली वीडियो, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई को। सो गाइस ये है सुबह सुबह का व्यू और घने घने बादल हो रखे हैं एकदम बेहतरीन काले काले। और अपना ये पठान का सॉन्ग चल रही रहती देर से, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। अपने वरना से नहीं आया हूँ, आज हमारे पास में व्हाइट वाली वरना, काली वाली वरना, मेरी वाली जो है वो घर खड़ी है। अभी ये परवेश भाई की वरना जो देहरादून से आई है उससे आ रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं अभी नैनीताल। तो बज रहे हैं अभी 10:39 हो रहे हैं और अभी हम लोग नैनीताल से थोड़ी सी पीछे, लगभग 30 किलोमीटर पीछे। और पूरा सुहाना मौसम हो रखा है, बेहतरीन एक नंबर का मौसम। और इस मौसम में अगर आपको रास्ते में मिल जाए पहाड़ी भुट्टे तो क्या कहना उसका, आपको दिखाता हूँ मैं। आइए मेरे साथ, ये रास्ते पे ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा रास्ते में भुट्टे के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए मिल जाएंगे। किसी भी भुट्टे पे जाइए खाइए, 30 रुपये का एक है और मज़ेदार। इस मौसम में पहाड़ी भुट्टे का स्वाद लेने का अलग ही मजा है। देखो मेरा भुट्टा तैयार है एकदम बेहतरीन, खा के देखते हैं इसे हम लोग। एक नंबर बेहतरीन। सो गाइस कहने का मतलब ये है कि लाइफ को एंजॉय करें और ऐसे रोला काटते हुए जाएं, मज़े करते हुए जाएं। शांति से जाने का कोई मज़ा नहीं है, आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ रुके। ये इंतज़ार ना करें कि लेट हो जाएंगे वहाँ पहुँच के हम लोग। देखो टाइम का पता नहीं, आगे पहाड़ी गिरी हुई है कुछ भी हो, तो इसलिए जितना हो सकता है उतना एंजॉय करें और ऐसे मज़े करते हुए जाएं। तो चलें आगे और आगे दिखाते हैं आपको। हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी, गाड़ी के अंदर थोड़ी सी खराबी आ गई है तो हमने पार्किंग में लगा दी गाड़ी। और अभी सैटरडे है तो हल्द्वानी बंद है, बस समझो टूल है वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग पैदल बैग वैग टांग के निकल लिए, नैनीताल तो पहुँच गए थे हम, मगर नैनीताल से ऊपर हमने पार्किंग करी है। नाउ आई एम गोइंग टू माल रोड और नैनीताल, क्योंकि गाड़ी तो होनी है सही शाम तक ही, तो इसलिए हम लोग मज़ा लेने वाले हैं खूब फुल। अगर भूख लगे आप लोगों को तो ये जो रोड है मस्जिद से ऊपर आता है तो यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट है, पीछे भी हैं काफ़ी। ये वाले रोड पे सो वो सामने झील है उधर, और इधर मस्जिद है, और यहाँ पर सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट हैं, आलम आलम करीम है और अल करीम, सारा नॉनवेज मिल जाता है यहाँ पे बढ़िया करके आपको, तो मस्त आप नॉनवेज खा सकते हो देहरादून नैनीताल की सिटी में। ये देखो टेंशन हो ही बढ़िया, मगर ये बंदा यहाँ से जा रहा है बहुत। गाड़ी खराब होने पर लोग टेंशन में होते हैं भाई, खुश हो रहा है। मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मेरा एक दोस्त बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। हाँ जी, तो दोस्तों बात ऐसी है कि सामान जो है अपना रुद्रपुर से चल गया है, खुशखबरी की बात यही है। और अभी वो पहले हल्द्वानी आएगा, उसके बाद फिर वो नैनीताल आएगा। फिलहाल वी आर एट नाउ माल रोड एट इन नैनीताल, और मेरे दोस्त लोग, बड़ी गर्मी हो रही है, बारिश अभी इतनी तेज़ हुई थी, बहुत तेज़ हुई थी, मगर गर्मी इस कदर की हो गई है बेहिसाब,
देखिए जब शादी हो जाती है इंसान की तो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करता है इंसान, तो ये है उनमें से एक। भाई की बच्ची हुई है तो बच्ची का सामान जहाँ भी मिल जाए वहाँ देखने लग जाता है। भी गाइस एक न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हो झील, झील से ऊपर तक पानी आ गया था यहाँ तक। सो गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे 20-20 रुपए की टैक्सी करके हम लोग जाएंगे ज़ू, अगर टैक्सी चल रही होगी तो, अदरवाइज़ फिर हम लोग माल रोड एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत नैनीताल देखेंगे, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे अपने घर पहुँचने के लिए। घर पहुँच पाएंगे कि आज नहीं पहुँच पाएंगे। पार्ट्स बड़ी मुश्किल में मिला है। ये है परवेज भाई, इनको जानते हो आप, वो सुहेल भाई, और एक बंदा गायब हो गया, फिर से गायब हो गया। अभी मैं आपको झील पे भी लेके जाऊंगा गाइस, झील दिखाऊंगा मैं आपको। आई विल नॉट बोटिंग बिकॉज मेरे को बहुत फोबिया है पानी से, वाटर से, तो मुझे डर लगता है, तो मैं ज़्यादा स्विमिंग वगैरह यह सब पानी से दूर ही रहता हूँ, पानी की एक्टिविटी से, इसीलिए मैं राफ्टिंग भी नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे घर के पास में है ऋषिकेश, बट आई डोंट गो देयर। गाइस लुक एट द व्यू ऑफ झील, कितनी ग्रीन है, क्लीन है। ये देखिए पूरा व्यू देखिए गाइस, दैट्स अमेजिंग। अरे ये मिल गया भाई, कहाँ खो गया था भाई, ये खोया गया था भाई। ये हमेशा जब भी हमारे साथ आता है ना तो अकेला घूमता है इधर उधर और इधर उधर निकल जाता है। तो मेरे पेटू लोग, पेटू दोस्त जो हैं, उनको दिखाई दिया कौन कैसा है, टेस्टी। और ये है अपना अमेरिकन नट। सो गाइस ये 70 रुपये एक बंदे का है ज़ू शटल सेवा, और आना जाना इसमें हो जाता है 70 रुपये में, यानी कि आपको 35 रुपये का एक तरफ का किराया हुआ। ये आ गई और गाड़ी आ गई है, इसमें ही बैठना है हमें, मगर इसमें कैसे बैठेंगे हम लोग इतने सारे। और यही रास्ता जा रहा है ऊपर ज़ू में, और ऊपर जाके टिकट का किराया मैं आपको बताता हूँ ऊपर। फिलहाल ज़ू का लोकेशन कुछ ये है। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई यार हमें, बहुत देर से हम एक आयरन वाला ढूंढ रहे थे, आयरन वाला नहीं मिला, और ये बंदा पुराने कपड़े में बैठ मिले। शेर चाचा मिलेंगे, शेर चाचा से प्रेस करवाएंगे उस पे कपड़ों पे। लाल चटल चल गई है वो भाई, देखता हूँ मैं वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ दोस्तों। पकड़ने भाई साहब एक बार ए सी और चलाना दोबारा, तुम भी चलाओ ए सी अपनी, तुम भी चलाओ ए सी अपनी, खतरनाक। ओहो मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस, बहुत टेस्टी लग रही है, ठंडी हो गई। सो गाइस 35 रुपए खत्म, और हमें 1.5 किलोमीटर के बाद खत्म हो गया। सो टैक्सी वाला यहाँ उतार देगा, उसके बाद पैदल जाना है, जो कि इससे अच्छा नीचे से पैदल आ जाओ। गाइस 70 रुपये का टिकट लिया हमने एक बंदे का, और 1.5 किलोमीटर उसने ऊपर तक चढ़ाया हमें, और 35 रुपये खत्म, 35 रुपये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे नीचे जाने में। तो अभी फिर हम जा रहे हैं ज़ू, और ज़ू का 100 रुपये का टिकट आई गैस, और देखते हैं अभी कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। 35 रुपये मगर जैसे ही हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना गाइस, तो मौसम एक नंबर अल्टीमेट हो रहा है, ठंडा कूल। 35 रुपये वसूल कर लूँगा यहाँ से। सो गाइस कुछ इस तरीके से ऊपर से व्यू है नैनीताल का। ओ भाई वो है नैनी झील, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रही, और बादल आ रहे मस्त एकदम बेहतरीन, एक नंबर। जब ऊपर की तरफ आएंगे गाइस तो ऐसी स्क्रीन और सीट्स लगी हुई मिलेंगी, मुझे लग रहा है जितना मैं गाड़ी से आए ऊपर की तरफ उतना मैं ऊपर पैदल चलना है।
सांस फूल गई है बहुत खतरनाक। आज हो रही है कार्डियो मस्त एकदम। सांस बंद करके रखा भाई ने। 3:15 हुए और पहुंच गया हूं मैं फाइनली जू। कुछ लोकेशन ऐसी है जू की, टिकट काउंटर और बैठने का भी बना रखा है इन्होंने बढ़िया मस्त। मेरे दोस्त अभी तक पहुंचे नहीं है ऊपर। वी हैव द टिकट नाउ फॉर 4 पर्सन इन 400 और अभी तक आ गए। देखो एकदम थकेले से हो गए, एकदम बाल बाल एकदम ऐसे हो गए हैं तुम्हारे। एक बात बताऊंगा तुम्हें बहुत काम की। मत बताओ, आप पहले शेर चाचा से मिल के आते हैं ऊपर। चलो। ओहो खूबसूरत, ले लीजिए। चल सो ये है नैनीताल जू का एंट्रेंस गाइस। बेहतरीन झरना बह रहा है वहाँ से और नैनीताल जू ये सब आर्टिफिशियल है। सो फर्स्ट सेक्शन जब आप एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा बर्ड्स का सेक्शन। सो बर्ड सेक्शन देखने के बाद में वी विल हैव टू बंगाल टाइगर और सीधा सामने दिखाई देगा शेर वहां से बड़ा बड़ा एकदम। तो चलते हैं और देखते हैं कि शेर मिलता है वहां पे और कितना बड़ा शेर है, जैसे हमारी तरफ वाला शेर है कि छोटा वाला शेर है। ओ भाई ये बैठा है टाइगर। हाय हाय कह रहा है वो गार्ड के ये बीमार है अभी, मगर भाई कितना बड़ा है। सो गाइज अभी आपको दिखाया मैंने बंगाल टाइगर, नाउ वी आर गोइंग टू सी लेपर्ड जो एक छोटी बिल्ली होती है हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है। अभी बहुत शिकार कर रखा है उसने आदमियों का, हमारे यहाँ आतंकखोर भी बहुत हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पे लेपर्ड कितना बड़ा है। आई गेस ये सारे होंगे यहाँ पे, और मुझे लगता नहीं कि सारे होंगे यहाँ पे बिकॉज इसमें पांडा भी है। पहाड़ों में आए तो खा पी के आए बादाम बादाम बढ़िया से, तो जान लगती है ऊपर चढ़ने में भाई। सो गाइस ये देखिए आप टाइगर, दिस इज ह्यूज। देखो भाई आ गया। See this tiger guys, it's huge. दिया है ना इधर कितना बड़ा है। बीआर वाला ओहो येरा भाई खतरनाक। सीरियस गाइस देखो ये खुला हुआ है, टूट के भी आ सकता है। तो आइए आपको आज दिखाते हैं कि शेर पहली बार छोले भटूरे कैसे खाता है। हाँ
ये हैं काकड़ गाइस, जिनको हम कहते हैं जंगली बकरियां। बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही क्यूट होती हैं। मगर वी आर एट नाउ लेपर्ड के सेक्शन के अंदर, देखते हैं कितना बड़ा लेपर्ड है यहाँ पे। सांस फूल गई मेरी तो। गाइस कितना अल्टीमेट मौसम हो गया है, मतलब जानवर तो देख ही रहे हैं हम ज़ूम में, बारिश हो रही है नीचे बहुत तेज और यहाँ पे बादल ही बादल हो गए। इट्स चिलिंग गाइस, चिलिंग, आई कांट इमेजिन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना मजा आ रहा है मुझे। बहुत ही सुकून मिल रहा है, ठंडा ठंडा, ओए होए होए। लास्ट टाइम मैंने ऐसा मौसम मसूरी में देखा था, क्या मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ये मेरे दोस्त लोग चिल मारते हुए बेहतरीन। बहुत ही ठंड है भाई, मजा आ रहा है, और ठंड के तो हम शौकीन है। हाँ ठंडी चाहिए रहती है, तेज हो रही है बारिश। नहाने का भी शौक है। हाँ कोई मसला ही नहीं है। हाँ ये देखिए कैसा व्यू हो गया। और तीनों भाई अपने, सुहेल भाई, मैं और परवेज भाई दम भी इतना फंस गए हैं। और अभी हम जूम में ही हैं, चार बज गए हैं, 4:30 बजे बंद होता है ये, 5 बजे की हमारी कैब है लास्ट यहाँ से। तो और बारिश नहीं रुकी तो हम नहाते हुए जाएंगे, ठीक है। हाँ फिर बारिश नहीं रुकी तो जाना ही पड़ेगा भाई, मगर मैं नहीं जाऊँगा। तो गाइस हम लोग अभी भागने में लगे हुए हैं भाई। यार यार खाना खाने आया, खाना तो दोस्तों जू देखने के बाद में हम लोग आए तल्ली ताल की तरफ। यहाँ पर हमने गाड़ी के सामान का वेट किया और इस जगह से आप पूरी झील का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है यहाँ से। और इसके बाद हम लोग गए मार्केट में जो इसी साइड है, और ये मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है जहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, खरीद सकते हैं और भी ज़रूरत के सामान की चीज़ें ले सकते हैं। ख़ास तौर पर जलेबी बहुत फेमस है यहाँ की, तो अगर आप जाएं इस तरफ तो जलेबी ज़रूर खाएं। मैं अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज़ इसके बाद फिर हम लोग मिस्त्री ढूंढने लगे गाड़ी का, और रोड ढूंढते ढूंढते हमको 8-9 बज गए और फिर सही करा के हम लोग निकले, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो इस वजह से हम लोग नहीं करा पाए। रात के 1 बजे में घर पहुँचा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको सभी को पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं अपनी आज की व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।